So in this lecture we are going to start with the push down automata and context free language. We can convert the context free language into the push down automata and push down automata to context free language or context free grammar. Okay, so context free grammar, push down automata by empty stack and final state. So we can convert in between these two. Okay, so first of all we'll see the construction of PDA from CFG, that is context free grammar. So context free grammar to PDA conversion we are going to see. It's very simple, and one question may be asked on this form. Okay, so how to convert this, that we'll see first. So from a given CFG is given, that is VTPS, we can construct an equivalent PDAM such that it simulates the leftmost derivation of grammar. ठीक है, so the BD accepting L of G by empty stack is given by this, that is M is equals to set of Q, that is the initial state. जैसे कि PDA के elements क्या रहते हैं, M is equals to Q summation tau delta Q0 Z0 and F, ये रहते हैं राइट, सेवन टपल्स राइट. सो इस क्यू के जगह पे क्या जाएगा, दैट इज़ दिस क्यू ओनली, ओनली वन क्यू विल बी सफिशियंट टू प्रोसेस हियर. ओके, एक ही स्टेट लगेगी. ठीक है, उसके बाद दैट इज़ इनपुट इज़ नथिंग बट द टर्मिनल सेट. अगर हम लोग इसके ग्रामर के थ्रू अगर कंसिडर करते हैं तो, एंड टॉय इज़ नथिंग बट वेरिएबल यूनियन टर्मिनल डेल्टा डेल्टा फंक्शन. क्यू जीरो इज़ नथिंग बट क्यू ओनली, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेट यूज़ कर रहे वाले हम लोग क्यू. जेड जीरो यहाँ पे स्टैक सिंबल है, यहाँ पे स्टैक सिंबल है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट स्टेट हम लोग कंसिडर करेंगे और फाइनल स्टेट यहाँ पे नहीं रहती, दैट्स वाई फाइव. क्लियर? सो वेयर डेल्टा इज़ डिफाइंड बाय, डेल्टा कैसे डिफाइन किया जाता है, फॉर ईच वेरिएबल ए बिलोंग्स टू वी इंक्लूड अ ट्रांजिशन डेल्टा ऑफ क्यू इप्सिलॉन ए. मीन्स वेरिएबल के लिए हमेशा ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, क्यू से एक ही स्टेट से हम लोग प्रोसेस करेंगे, तो क्यू इनपुट इज इप्सिलॉन एंड ए इज इक्वल्स टू क्यू अल्फा सच दैट ए बिलोंग ए प्रोड्यूसेस अल्फा इज अ प्रोडक्शन इन ग्रामर. सिर्फ यहाँ पे इसका जो भी ए का जो भी प्रोडक्शन होगा ये यहाँ पे आ जाएगा अल्फा का मीनिंग. क्लियर? सो फॉर ईच टर्मिनल ए बिलोंग्स टू टी इंक्लूड अ ट्रांजिशन, हर एक टर्मिनल के लिए ऐसे ट्रांजिशन हमें इंक्लूड करना है. क्यू ए ए इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन. इट्स वेरी इजी, इट विल बी क्लियर टू यू व्हेन वी टेक द एग्जांपल. सो वी विल सी एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस. सो कंस्ट्रक्ट द ग्रामर, सॉरी कन्वर्ट द ग्रामर, दैट इज एस प्रोड्यूसेस जीरो एस वन और ए, ए प्रोड्यूसेस वन ए जीरो और एस और इप्सिलॉन टू पी डी ए दैट एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज बाय द एम्प्टी स्टैक. ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें हर एक वेरिएबल के लिए ट्रांजिशन इंक्लूड करने हैं एंड टर्मिनल के लिए इंक्लूड करने हैं सिर्फ. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज दैट फॉर ईच वेरिएबल ए बिलोंग्स टू वी इंक्लूड अ ट्रांजिशन. तो कैसे इंक्लूड करेंगे, कितने वेरिएबल्स हमारे पास, दो ही है, एस एंड ए. तो ये तो उसका फॉर्म दिया है जो भी हमने देखा था. तो सी हियर, क्यू से स्टार्ट करेंगे, एस का ट्रांजिशन हमें इंक्लूड करना है, तो क्यू इप्सिलॉन एस और ए के लिए क्यू इप्सिलॉन ए. ठीक है, प्रोड्यूसेस क्यू कॉमा इसका जो भी प्रोडक्शन है वो, दैट इज़ जीरो एस वन, एंड सेकेंड क्यू कॉमा ए दैट इज़ इसका जो भी सेकेंड प्रोडक्शन है वो. इतना सिंपल है. क्लियर? तो ए के प्रोडक्शन में सेम क्यू कॉमा वन ए जीरो एंड क्यू कॉमा एस क्यू कॉमा इप्सिलॉन. क्लियर? नाउ सेकेंड स्टेप में फॉर ईच टर्मिनल ए बिलोंग्स टू टी इंक्लूड अ ट्रांजिशन. नाउ कितने टर्मिनल्स हैं हमारे पास, जीरो एंड वन दो ही है, तो उस दो के लिए हम लोग ट्रांजिशन इंक्लूड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल क्यू कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन, क्यू कॉमा वन इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन. क्लियर? सो देयर फॉर द पी डी ए इज गिवन बाय क्यू टर्मिनल दैट इज जीरो वन एंड टॉ के जगह पे क्या जाता है, वेरिएबल यूनियन टर्मिनल दैट इज एस ए जीरो वन
डेल्टा क्यू एस वाई. क्लियर? सो इतना सिंपल है. सो हर एक वेरिएबल एंड हर एक टर्मिनल के हम लिए हमें सिर्फ ट्रांजिशन इंक्लूड करने हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. सो कंस्ट्रक्ट अ पीडीए इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सीएफजी. दैट इज एस प्रोड्यूसेस 0 बीबी, बी प्रोड्यूसेस 0 एस और 1 एस और 0. टेस्ट इफ 0 1 0 रेस्ट पावर 4 इज इन द लैंग्वेज. सो पहले हम लोग प्रोडक्शन निकालेंगे और उसके ऊपर से क्या करेंगे, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग करेंगे. किसके लिए? 0 1 0 रेस्ट पावर 4 के लिए. क्लियर? सो द इक्विवेलेंट पीडीए एम इज गिवन बाय एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक ही स्टेट रहती है दैट इज क्यू. इनपुट क्या है? दैट इज 0 1 और टॉ क्या होगा? 0 1 एस बी दैट इज वेरिएबल यूनियन टर्मिनल डेल्टा क्यू एस फाइव. राइट? सो वेयर इज डेल्टा इज गिवन बाय. सो हम लोग पहले वेरिएबल फॉर ईच वेरिएबल के लिए इंक्लूड करेंगे ट्रांजिशन. तो दो ही वेरिएबल है तो दो ही ट्रांजिशन आएगी. राइट? सो क्यू इप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू कॉमा 0 बी बी. क्यू इप्सिलॉन बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू कॉमा 0 एस, क्यू कॉमा 1 एस, क्यू कॉमा 0. तीन आएंगे. राइट? नाउ सेम टर्मिनल्स के लिए दो ही है तो सेम आएगा. क्यू कॉमा 0 0 इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन, क्यू कॉमा 1 1 इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन. क्लियर? सो हाउ टू शो द एक्सेप्टेंस ओवर हियर? सो एक्सेप्टेंस ऑफ 0 1 0 रेस्ट टू पावर 4 बाय मशीन. सो कैसे होता है? क्यू यहाँ पे इनपुट लेते हैं हम लोग और ये स्टार्टिंग स्टेट. ठीक है? सो अभी इस स्टार्टिंग स्टेट की जगह पे हमें क्या चाहिए? फर्स्ट 0 चाहिए. राइट? सो ऐसा एस का ऐसे प्रोडक्शन है क्या जिसमें 0 प्रेजेंट है? यस. कौन सा प्रोडक्शन है? क्यू इप्सिलॉन एस प्रोड्यूसेस क्यू 0 बी बी. सो वो यूज़ करेंगे हम लोग. तो वो ये जो लाइन है इक्विवेलेंस की उसके ऊपर लिखेंगे. सो क्यू इप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू क्यू 0 बी बी. इसके थ्रू हम लोग इस एस के जगह पे 0 बी बी डाल रहे हैं. राइट? नाउ क्यू 0 0 का मीनिंग क्या है? क्यू इप्सिलॉन. राइट? तो उसे हम लोग प्रोसेस करेंगे. सो क्यू 0 0 इज इक्वल्स टू क्यू इप्सिलॉन. दैट इज ये क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा. क्लियर? तो क्या बचेगा इनपुट से? 1 4 टाइम्स 0. सो 1 4 टाइम्स 0 बी बी. नाउ इस बी के जगह पे अभी क्या चाहिए मुझे? 1 चाहिए. सो बी का ऐसे प्रोडक्शन है क्या जिसमें 1 प्रेजेंट है? यस है. कौन सा है? क्यू एस. तो यूजिंग दिस ट्रांजिशन क्यू इप्सिलॉन बी इज इक्वल्स टू क्यू 1 एस वी विल प्रोड्यूस दिस. राइट? सो इसके जगह पे क्या डाला? फर्स्ट बी के जगह पे 1 एस डाला. राइट? तो फिर से अभी ये 1 1 मैच करके यूजिंग क्यू 1 1 क्यू इप्सिलॉन हम लोग उसको पॉप कर देंगे. फिर से इस एस के जगह पे 0 चाहिए. तो क्या है इसका प्रोडक्शन? क्यू इप्सिलॉन एस इज इक्वल्स टू क्यू 0 बी बी. यूजिंग दैट वी आर टेकिंग एस के जगह पे 0 बी बी डाला. राइट? तो अभी 0 0 आ गया. सो 0 0 हम लोग पॉप कर देंगे. क्लियर? अभी 3 टाइम्स b है, 3 टाइम्स 0 है. तो अभी b का ऐसे प्रोडक्शन है क्या जो सिंपल 0 डिराइव करता है क्योंकि 3 वेरिएबल और 3 ही इनपुट है. तो b का ऐसे प्रोडक्शन नहीं ले सकते हम लोग की जो वेरिएबल के साथ है, सिर्फ टर्मिनल होने चाहिए. राइट? तो है क्या? यस. दैट इज q इप्सिलॉन b इज इक्वल्स टू q 0 है. राइट? तो यूजिंग दैट विल प्रोसेस दिस. तो इस b के जगह पे 0 डाला. राइट? फिर से ये 0 0 मैच किए, यूजिंग दिस पॉप कर दिए. फिर से ये बचा, फिर से इस बी के जगह पे ये 0 डाला, फिर से इस दोनों को मैच किया और हो गया. उसके बाद फिर से इस बी के जगह पे 0 डाला यूजिंग दिस ट्रांजिशन, एंड इस बी के जगह पे 0 डाला यूजिंग दिस ट्रांजिशन, एंड उसके बाद क्यू 0 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? क्यू इप्सिलॉन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? दस द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय आवर मशीन यूजिंग एन एम्प्टी स्टैक. क्लियर? सो इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू द पीडीए.